हेलो, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। मेरा नाम है गैरी, आपका मेरे चैनल गैरी बैग दिल से स्वागत है। आज हम एक माँ के बेटे को लेकर आए हैं। वो लड़का है जो 3 साल से अकाउंटेंट की जॉब करता है, जो वाइट कॉलर जॉब यहाँ पर करता है, और जिसकी स्टोरी है कि वो अपनी वाइफ को लेकर नहीं आ पाया, लेकिन आज वाइफ को ले आया है। हम उनकी स्ट्रगल, वाइफ के साथ कैसे, कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं वो पूछेंगे, पर पहले पूछेंगे ये लड़का एज ए वाइट कॉलर जॉब माल्टा में कैसे ढूंढ पाया है। और सबसे अच्छी बात इस लड़के की ये है कि लड़के पूछेंगे पीआर का सीन क्या है, क्योंकि बहुत सारे लड़के आते हैं वो बोलते हैं पीआर का, ये लड़का वाइट कॉलर जॉब करता है, इसको ज़्यादा पीआर करता है। तो आज इसे डिस्कस करेंगे मेनली पीआर पर, उससे पहले पूछते हैं इसकी जर्नी यूके में कैसे रही इंडिया से। तो गाइस आपने बताया क्या काम, दो काम करने, एक तो वीडियो को दिल खोल के लाइक करना है, जितना लाइक करोगे मैं 4 टाइम भी होगा, 5th टाइम भी, आपने कहा था वाइट कॉलर जॉब, ये वही लड़का वाइट कॉलर जॉब आपको लेकर आया। और आपने कहा था सर माल्टा जाओ, माल्टा पोलैंड भी जाऊँगा, जा रहा हूँ अगली वीक पोलैंड भी जा रहा हूँ, 4 टाइम भी आऊँगा, 5th टाइम भी, लेकिन आपने लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब करो। गैरी सर खुद अपना पैसा लगाकर, लाखों लगाकर कंट्रीज में जाते और वहाँ जाकर ऐसे लड़कों को ढूंढते हैं जो आपके रोल मॉडल हैं, जो आपको मोटिवेट कर सकते। कल ये आपको मोटिवेट करें, आज कल आप यहाँ आओगे आप मोटिवेट करोगे, उससे 2022-23 में एजुकेशन मोटिवेट होगी, तो हम लोग सारे यूरोप में जाकर अपने माँ बाप को एक नया घर दे सकते हैं और एक अच्छी जिंदगी अपनी बहन को भी दे सकते हैं। तो वीडियो को दिल खोल के लाइक कीजिए। तो वेलकम करूँगा सर आपको, आपका नाम क्या है और कैमरे की तरफ बताएँ कि आप क्या जॉब करते हैं आप और कब आएंगे। हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं अपना नाम बताना चाहूँ, मेरा नाम अंशुल है, मैं माल्टा में हूँ पिछले 3 साल से। और इवन मेरा अभी स्टार्ट, रिसेंटली मैंने स्टार्ट करा अपना यूट्यूब चैनल राधे कृष्णा। ओके भाई, लिंक शेयर कर देंगे है ना मेरे चैनल का। और मुझे तकरीबन ऑलमोस्ट 3 ईयर्स होगा, मैं आया था 2018 में अक्टूबर में, तो इस पिछले महीने मुझे अक्टूबर में ही 3 साल हो गए हैं। मैं एज अकाउंटेंट जॉब कर रहा हूँ यहाँ पर मैं। और जब मुझे जॉब मिली थी, जब मैं मैं उस समय था बेंगलोर में, और बेंगलोर में ऑनलाइन जॉब्स अप्लाई करता रहता था, बट एक वेबसाइट मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर, वो वेबसाइट का नाम है यूरोप्स करके है। उस वेबसाइट के थ्रू मुझे एक ऑडिट फर्म में जॉब मिली थी, पावला में थी वो ऑडिट फर्म, और वहाँ से मेरी फिर जर्नी स्टार्ट हुई। इट टुक लाइक अराउंड 4 to 5 months एट दैट टाइम, बट रिसेंटली दे हैव नाउ रिड्यूस द टाइम फॉर द वर्क परमिट, बिकॉज अब तो मुश्किल से हार्डली 15 to 20 days लगते हैं, बट दैट टाइम मुझे लगे थे तकरीबन 4 से 5 महीने पूरे वर्क परमिट अप्रूवल के लिए माल्टा से ना। माल्टा तो आज लगते हैं 1 महीने से कम, पर ये सर बताने 2018 की बात, तब 4 या 5 अकाउंटेंट की जॉब कोई एजेंट से नहीं आए हैं। बताना चाहूँगा आपको बहुत जल्दी यहाँ पर फेसबुक ग्रुप पर भी जॉब निकलती है, माल्टा कौन सी जॉब प्लस है, माल्टा पार्क है, कीप मी पोस्टेड है, आपने वो सारी वेबसाइट जाकर सिर्फ रजिस्टर करना है। अगर आप रजिस्टर नहीं कर पा रहे ड्यू टू माल्टा सिम नहीं है, तो आपको खुद डायरेक्टली करियर पेज पर जाना, उनकी वेबसाइट जाकर उनके एचआर को मेल करनी, तो यही मेथड है। तो सर जब एज अकाउंटेंट यहाँ पर 3 साल आए थे, तो आपको वीजा कितने साल का मिला था इनिशियली? इनिशियली 1 साल का मिला था मुझे कार्ड, रेजिडेंस कार्ड। तो आपने एक्सटेंड कैसे कराया पिछले 2-3 साल से, हर साल एक्सटेंड होता रहता है? डिपेंड करता है, लाइक अगर आप चेंज ऑफ एम्प्लॉयर से, मैंने चेंज करी जॉब्स, तो फिर जो है वो एक्सटेंशन तो बोलते, जब अगर 1 साल आप लगातार करते रहोगे कंटिन्यू जॉब, तो फिर वो रिन्यूअल होगा उसी कंपनी में। बट जैसे मैंने चेंज करी एम्प्लॉयर, तो चेंज ऑफ एम्प्लॉयर का फॉर्म लगता है, उसके लिए अलग फॉर्मेलिटीज, अलग डॉक्यूमेंट्स है। कितना टाइम लगता है चेंज एम्प्लॉयर का? चेंज ऑफ एम्प्लॉयर में नाउ हार्डली, अब लगता है मेरे हिसाब से विद इन 15 to 20 days हो जाते मैक्सिमम 1 month। कितने पैसे लगते हैं आपके चेंज एम्प्लॉयमेंट करने में? पैसे जैसे अब मैंने रिसेंटली चेंज करी है कंपनी मैंने अपनी, तो उन्होंने, मैंने कोई पैसा नहीं दिया इस बार, हालांकि मैं पहले जितनी कंपनी में चेंज करी थी पहले मैंने दिया था पैसे, 280 यूरो 0.5 इस बार कोई नहीं दिया, इस बार मैंने कोई। और 15 दिन में चेंज एम्प्लॉयमेंट चेंज हो गया 15 to 20 days में एवरीथिंग। तो गाइस बताना चाहूंगा जो लोग यहाँ पर माल्टा में काम करते हैं, उनको 1 साल का मिलता है ना सेम एम्प्लॉयर में काम एक्सटेंड होता था, एक साल रिन्यू होता है, बहुत इजी 10-12 दिन में आ जाता है, और वही 280 यूरो लगते होंगे हर बार, कोई स्टैंडर्ड फीस है जो कि इंडिया से 25,000 रुपये है। तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट चेंज करना कोई बड़ी बात नहीं है, वर्क परमिट रिन्यू होता है एज लॉन्ग एज आप हार्ड वर्क करें और माल्टा का लॉ को फॉलो करें, दोनों से आपके लिए बहुत ईजी होता है माल्टा में। तो ये हो गए, अब बताओ आप एज अकाउंटेंट यहाँ पर आए हो 3 साल 3.5 साल हो गए, कितनी सैलरी है आपकी एज कम्पेयर टू बैंगलोर में जब काम करते थे? तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा बैंगलोर में मैं अप्रॉक्सीमेटली आपको आईडी दूँगा बिटवीन 70 to 80,000 था मेरी सैलरीज पर मंथ उस टाइम 2018 में। बट आप मानो कि यहाँ पर एग्जैक्टली मेरी तो नहीं बताऊंगा मैं, बट ऑलमोस्ट लाइक 2 times or 2.5 times। तो आप, मैं गैस कर लेता हूँ, ये नहीं बता सकता, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मैं भी यूके में करता हूँ, आप यू कॉन्ट डिस्क्लोज योर सैलरी टू पब्लिक, बट रफली इनकी 2 लाख के करीब, 2-2.5 लाख के करीब बन जाती है पर मंथ आफ्टर टैक्स, जो कि इंडिया में 70-80 हज़ार थे, और यहाँ पर ये सब खर्चे निकालने के बाद इनकी जॉब में आते हैं, टैक्स यहाँ पर कट कर आते हैं, डरने की बात नहीं, आपके एम्प्लॉयर टैक्स काटता है, कुछ आपको पर्सनल लोन्स फ्री होती है, कुछ मुझे नहीं पता 9-10 हज़ार जो भी होगा यूरो के, उसका आप टैक्स पे करते जाते हो माल्टा, ऐसे आप यूके में करते हो। यूके से बात याद है मेरे चैनल और यूट्यूब सेकंड भी है, स्क्रैच हो रहा है, यूके में निकली 2 मिलियन जॉब, ये सारे लड़के यहाँ पर इनको यूके जाना है, सब ये कह सकते हम यूके आ रहे हैं, इसलिए भी यूके जाना, तो उसका सब्सक्राइब करो। गैटी को यहाँ पर बताया मैंने 2 साल का फ्री वर्क वीजा इंडियन लोकल शुरू हो गया यूथ वेल्डिंग स्कीम, जहाँ पर यंग बच्चे यूके आ सकते बगैर जॉब ऑफर के, बगैर सोच, तो गैरी टीवी सेकंड यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, तो आपको आधी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। और सीवी कटर बनाना, आप इंस्टाग्राम पर, मैं आपका सीवी कटर बना दूंगा,
एज पर यूरोपियन स्टैंडर्ड। तो सर जो भी लड़के आपको रोल मॉडल देख रहे हैं पैसा होता है वो कैसे अप्लाई करें बिफोर वी कम टू योर वाइफ, जो भी आपको देख रहे हैं हाउ दे कैन अप्लाई, क्या उनका सीवी अच्छा होना चाहिए, कवर क्या क्या होना चाहिए, बताएंगे। सबसे पहला तो मेरे हिसाब से मेरी जो मेरी व्यू है मेरा ये है कि सीवी ही एक ऐसा टूल है, एक मार्केटिंग टूल है। सबसे पहले जब वो कोई भी एम्प्लॉयर देखेगा सबसे पहले आपको सीवी देखेगा। अगर सीवी ही मजा नहीं है और या फिर इतना लंबा है 4-5 पेज का 6 पेज का तो मन ही नहीं करेगा, इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा एम्प्लॉयर का। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे पता है। कंसाइज हो, बढ़िया हो, पॉइंट हो, है ना, टू द पॉइंट हो, तो ये चीज़ें बहुत जरूरी है। और यूरोपियन स्टैंडर्ड लाइक यूरोप आज एक्सेप्टेबल है पूरा वर्ल्ड वाइड, आई मीन यूरोप में, तो वो उस हिसाब से होना चाहिए मेरे सीवी। तो देखो सर कितने खुलकर बोल रहे हैं, सर ये कह रहे हैं कि सीवी अच्छा होना, सीवी जितना अगर अच्छा होगा आपको सेलिंग पॉइंट है सीवी। देखो सीवी आप 50% आपको इंटरव्यू आ जाती ना उसका थोड़ी बहुत आपको इंग्लिश और क्या पीछे किया है वो बताना था, बाकी आप जॉब ले जाते हो। अगर आपको इंटरव्यू आ जाती है तो वो जो इंटरव्यू कैसे कर देनी है, मैं फ्री कराता हूँ बच्चों को। जब इंटरव्यू माल्टा में आती क्लीनर की या किसी, मैंने बोला उनको कि मेरे पास आना, मैं आपकी फ्री तैयारी का 1 रुपया नहीं करूँगा। तो कैसे आप सीवी कवर लेटर पर खुद गूगल सैंपल भी ढूंढ सकते हैं, ऐसा नहीं आपको मेरे पास ही आना, तो प्लीज़ ढूंढे सीवी कवर लेटर यूरोपियन स्टैंडर्ड बनाए। तो अच्छा सीवी बना चाहिए वेबसाइट पर। अब मुझे ये बताएं कि आपकी वाइफ कब आई है और आपकी वाइफ के साथ कितने डॉक्यूमेंट्स हैं, कौन कौन डॉक्यूमेंट लगे जब किसी का स्पॉस, डज शी केम एज अ डिपेंडेंट ऑन यू और डज शी केम एज अ वर्क परमिट? या शी केम एज अ डिपेंडेंट वीजा। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगे थे उस समय? डॉक्यूमेंट्स जो लगे थे मैंने स्टार्टिंग, मतलब जो डॉक्यूमेंट्स सारी फॉर्मेलिटीज थी वो 2020 में स्टार्ट करी थी अक्टूबर में, फाइनली उन्होंने सबमिट किया था क्योंकि मेरी मैरिज हुई थी फरवरी 20 में और फिर मार्च 20 में जो है कोरोना आ गया था। तो आप मार्च में वापस आ गए ना? हाँ मार्च में वापस आ गया था मैं, एक हफ्ते बाद ही आफ्टर मैरिज। और फिर मेरी वाइफ वहाँ स्टॉक हो गई, मैं यहाँ पर स्टॉक हो गया। फिर इट टुक लाइक 6 मंथ्स 7 मंथ्स यू नो ओपन करने के लिए क्योंकि सब कुछ बंद हो गया था उस टाइम माल्टा में। फिर फाइनली अक्टूबर में इन्होंने सबमिट करी आइडेंटिटी माल्टा में, मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कराए। डॉक्यूमेंट्स में आप ये मानिए कि पासपोर्ट कॉपी हो गई, एक फॉर्म है फॉर्म CE समथिंग करके, मुझे याद नहीं आ रहा है एग्जैक्टली, C5 समथिंग है, हाँ एक वो फॉर्म लग गया और पासपोर्ट कॉपी, फुल पासपोर्ट कॉपी मेरी, रेजिडेंस कार्ड की कॉपी, कॉन्ट्रैक्ट कॉपी, मैरिज सर्टिफिकेट हो गया। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगे थे, रेंटल एग्रीमेंट हो गया, है ना, ये चीज़ें जो रेंटल एग्रीमेंट बहुत कहते हैं आप, ये नोटरी टेस्ट करवाना पड़ता है कि सिर्फ जस्ट लैंडलॉर्ड्स लिखवाना पेज, कैसे होता है रेंटल एग्रीमेंट बताएं? अब पता क्या, पहले नहीं जरूरत थी, जब मैंने अपना सबमिट कराया था कोई नोटराइज की जरूरत नहीं थी, सिंपल एक लीज एग्रीमेंट था, वर्ड डॉक्यूमेंट पर साइन थे उसके, अपना लैंडलॉर्ड के मेरे साइन थे, उसकी आई डी कार्ड नंबर था, मेरा आई डी कार्ड नंबर था। बट अब जब से मेरी वाइफ आई तब से वो नोटराइज हो गए, मेरे टाइम में भी उन्होंने नोटराइज करवाया था आपका लीज एग्रीमेंट मेरा नाम करा। पैसे लगते हो ना कुछ खास? हाँ 20 यूरो और 15-20 यूरो लगते हैं किसी भी आप सॉलिसिटर करवाते हैं। किसी भी नोटरी था, ये टफ नहीं है आपको, आप जो भी लड़के इंडिया से वर्क परमिट लेकर आ रहे हैं स्टडी पर आ रहे हैं मुझे नहीं पता, पर आपको मेरे साथ नोटरी करवाना पड़ता है जो लोगों ने बताया है। बाकी आप माल्टा की गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाकर क्लेरिफाई कर सकते, क्योंकि मैं तो वकील ना ही हूँ ना ही मैं कोई एजेंट हूँ। तो ये तो आपने कहा था आपकी वाइफ के डॉक्यूमेंट्स लगे, आपकी पे स्लिप लगी थी, पे स्लिप भी मैं लगाई थी अपने बैंक स्टेटमेंट में, मतलब वो एडिशनल डॉक्यूमेंट लगा था। बट अगर वर्क कॉन्ट्रैक्ट आपका सफिशिएंट है, इवन अगर आप पे स्लिप कराओगे तो बेटर रहेगा, मेरे बैंक स्टेटमेंट लगा सकते हैं ना। हाँ बैंक स्टेटमेंट लगा और इवन और मेरे इंडियन बैंक स्टेटमेंट लगा दी अपनी ICICI बैंक की। ओके अच्छा, ऐसा नहीं है कि आपके पास लोकल ही होना चाहिए, आप इंडियन बैंक स्टेटमेंट अगर आप पैसा ट्रांसफर वहाँ कर रहे हैं तो वहाँ भी वो भी लगा सकते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन दिमाग में है, इसको पता है पास पैसा बहुत है, सबसे बेस्ट बैंक कौन है माल्टा में जहाँ पर आप अकाउंट है, पैसे नहीं ले रहे हो, which is best bank in account to open है बहुत इजीली मेरे हिसाब से, जो मुझे लगा था उस टाइम मेरे हिसाब से मेरी रेजिडेंस कार्ड भी नहीं आया था मेरा 2018 में, तो ऑन द बेसिस ऑफ आपका लीज एग्रीमेंट और जो ब्लू पेपर था उसके बेसिस पे HSBC ने मेरा अकाउंट खोल दिया था विदिन 15 डेज में। आई लव HSBC, मेरा भी HSBC UK में अकाउंट है। गुड, तो माल्टा के सिम के बारे में बता दो फिर मिस्टर मेरठ, सिम कौन कैसे? हमारे यूके में तो वोडाफोन है भाई, O2 है, ऐसे आपके कौन कौन से नेटवर्क, आप कौन सा नेटवर्क यूज़ करते हैं, कितने पैसे पे करने पड़ते हैं? मैं मलिता का यूज़ करता हूँ, पहले वोडाफोन का यूज़ करता था बट वो मेरा सिम खो गया, फिर मैंने मलिता का। मलिता कितने पैसे पे करे? क्या 10 यूरो लेता हूँ, 10 यूरो में आपका सिम आ जाएगा, उसमें 10 यूरो का टॉप अप होगा, और अगर आपको इंटरनेट का प्लान लेना तो 25 यूरो में मिल जाएगा पर मंथ, और उसमें अनलिमिटेड होता है 25 में कि नहीं? मेरे ख्याल से 4GB 4-8GB मिलता है, उसके बाद फिर स्पीड थोड़ी स्लो जाती है। तो बड़ा एक्सपेंसिव है ना, एक्सपेंसिव है। वाईफाई घर पर डरिए मत, कैफे में वाईफाई है पर बाहर बहुत, किसी के पास मैंने देखा डाटा, यूके में हर एक के पास 4GB होता है, ये लोग ज़्यादा डाटा लेते हैं, बहुत महंगा 25 यूरो सिर्फ 4GB मंथली है, पर डे नहीं, इंडिया में 2-3GB पर डे मिलता है ना जियो का, यहाँ पर नहीं। अच्छा मलिता का सिम अच्छा है यहाँ पर ना? मलिता का अच्छा, क्योंकि मलिता का आप सिम लोगे ना तो आप कनेक्ट भी कर सकते हो, जैसे बाहर मलिता होता है फ्री में आप कनेक्ट भी कर सकते हो बाहर अगर जाते हो। ओके गुड, अब कम बैक टू मेन पॉइंट PR, लेट्स टॉक अबाउट PR माल्टा में कितनी इजी, किसी फ्रेंड को आपके PR मिली है आज यहाँ पर, चाहे 15, 18, 20, क्या PR का सीन क्या है? देखिए PR देखिए नामुमकिन नहीं है, अगर कंपेयर करोगे सिटीजनशिप के लिए, सिटीजनशिप तो आप भूल जाओ, अगर PR मतलब परमानेंट मिल जाती है, परमानेंट रेजिडेंस मिल जाती है, अगर 5 साल बाद मिल जाती है, मिल जाती है अनलिमिटेड, अगर आप 5 साल रह रहे हो यहाँ पे, लीगली स्टे करा आपने, टैक्सेस पे करे प्रॉपरली, तो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द PR। PR मिल जाती, सॉरी पासपोर्ट की बात करें, PR मिल जाती 5 साल, गाइस मुझे नहीं पता था चीज़, इस लड़के ने बताई है, तो PR का पासपोर्ट का मिलता है,
पासपोर्ट आप मानिए 18 साल लग जाते हैं उसमें आपको टेस्ट भी, हालांकि सबमिट आप कर सकते हो एप्लीकेशन, दे विल एक्सेप्ट योर एप्लीकेशन बट दे विल रिजेक्ट, दे विल रिजेक्ट अंटिल यू विल स्पेंड लाइक अराउंड 18 से 20 साल, जब तक आप स्पेंड नहीं करोगे माल्टा में यू विल नॉट गेट सिटीजनशिप फॉर श्योर। फिर पासपोर्ट मिल जाता है, टेस्ट देना पड़ता है माल्टा हिस्ट्री के बारे में ना। हाँ जी हाँ जी, इनके कल्चर के बारे में और थोड़ी लैंग्वेज भी बतानी चाहिए आपकी, मैं कल कुछ लेवल A1 या A2 लेवल पास एग्जामिन बताऊं। माल्टा इजी है आपको, कुछ थोड़ी बहुत आगे समझ लग जाती थोड़ी बहुत तो आती है, थोड़ा बहुत समझ जाता हूं, बट मैं स्टिल लाइक इतना इंटरेस्ट नहीं, मेरा इंटरेस्ट जर्मनी में, क्योंकि अगर कहीं बाहर जाना आपको तो आई मीन जर्मनी काफी वाइडली एक्सेप्टेबल है यहाँ पर। अब आपकी वाइफ यहाँ पर क्या करती है? मेरी वाइफ अभी रिसेंटली आई है यहाँ पर, अभी तो खैर घर पे ही है वो, अभी हाँ 1.5 महीना हो गया वाइफ को मेरी, और स्टार्ट करेगी, हालांकि वो बाय प्रोफेशन जो है वो डाइटिशियन है, और शी विल फाइंड, शी स्टार्ट, यू नो उसने स्टार्ट कर दिया अप्लाई करना जॉब्स, सो होपफुली शी विल गेट द जॉब सून। ओके, जो कपल्स आपको यहाँ पर देख रहे हैं, क्या यहाँ पर कोई टेंपल है, हिंदू टेंपल, या खाना ग्रॉसरी कैसे मिलती है, जो दाल चावल आटा इजीली मिल जाता है? हाँ, दाल चावल यहाँ पे आप सीधा जाओगे एमसीधा में ही, यहाँ पर 3 शॉप्स है, एक तो सामने है लिटिल इंडिया, एक इस तरफ है, एक पाकिस्तानी शॉप है, और एक और लिटिल इंडिया नहीं है, इंडियन शॉप ही है वो भी, तो 3 शॉप्स है यहाँ पर, आटा वगैरह दाल चीनी सब मिल जाती है यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो कपल है यहाँ पर कितना सेफ फील करता है यहाँ पर माल्टा में, और सेकंड क्वेश्चन आप अकेले रहते हो, शेयरिंग वाइफ आ गई, तो कितने खर्चा कितना आपका पड़ता है? देखिए रेंट डिपेंड करता है, अगर आपको जो है जैसे वन बेडरूम फ्लैट लिया, वन बेडरूम आप जैसे मैं वन बेडरूम में रहता हूँ, आपको मिल जाएगा तकरीबन 600 में मिल जाएगा, मिलने को 500 में मिल जाएगा, थोड़ा सा छोटा होगा, बट 600-650 में एक आपको अच्छा बेडरूम मिल जाएगा, वन बेडरूम, इवन 2 बेडरूम अपार्टमेंट भी मिल सकता है यहाँ पर एमसीधा में या फिर आसपास एरिया में यहाँ पर। ओके, तो 650 में आपको पूरा 600 लगा देते हैं, एवरेज मिल जाता है आराम से ना, हस्बैंड वाइफ का दोनों कमाएंगे 600 यूरो का रेंट होगा, आप तो बिल लगा लो 50-60 पाउंड ऊपर से 700 पाउंड में आप दोनों आराम से, जबकि दोनों 2000 पाउंड कमाओगे तो थोड़ी 2000 यूरो कमाओगे तो 4-5000 यूरो आप लेकर आ रहे हो, तो 700 यूरो का खर्चा होगा, चाहे आप लेबर जॉब भी करो जहाँ उनका 1500। अच्छा, आप तो कर रहे हो वाइट कलर जॉब, लास्ट चीज, जो लोग आपको एज ए रोल मॉडल जो बेचारे सेमी स्किल्ड हैं जैसे क्लीनर हो गए, वेटर्स हो गए, उनकी यहाँ पर डिमांड है बहुत पैसा, कितना पैसा कमाते हैं, आपके फ्रेंड्स भी तो होंगे आपके काफी? देखिए डिमांड है, बहुत डिमांड है, खासकर जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है यहाँ पर, केयर टेकर्स की हो गई, आपके बारटेंडर हो गए, शेफ्स हो गए, काफ़ी रिक्वायरमेंट है इनकी, और कुछ फ्रेंड है मेरे, एक दो फ्रेंड है मेरे जो पाकिस्तान से है और जो शेफ है, जो ऑलमोस्ट लाइक मैं तकरीबन बताऊँ तो 10 यूरो पर आवर ले रहे हैं वो, और दे आर यू नो लिविंग गुड लाइफ हेयर। तो अपॉर्चुनिटीज किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई वही है आपके फेसबुक के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, बट मुझे अकाउंटेंट, मुझे अपनी जॉब पता, तो एक बहुत बेस्ट वेबसाइट बनना चाहता हूँ मैं अकाउंटिंग प्रोफाइल में, accountants.com.mt, ये स्पेसिफिकली सिर्फ अकाउंटेंट्स के लिए है, सारी जितनी भी जॉब्स होगी पूरे माल्टा में इस वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी अकाउंटिंग की। वेल डन सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया, आपने बताया PR, और आगे आपका प्लान क्या, UK जाना कि जर्मनी जाना कि माल्टे रहना अभी फिलहाल? अभी फिलहाल तो यही है कि PR मिले यहाँ पर, इंस्टाग्राम पर जो और एक और यूट्यूब को भी सब्सक्राइब करें, तब तक प्लीज स्टे सेफ एंड ब्लेस्ड, बाय बाय, टेक केयर, बाय 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 बाय।